जय भीम जोहार जिंदाबाद साथियों, कैमरामैन गरिमा भारती के साथ मानसिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंडिया अनहर्ड में। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के ब्लॉक पतारा के ग्राम पंचायत गिरसी के ग्राम गिरसी से होकर के गुजरने वाली ये रास्ता जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, नबीपुर और रटघाई की रास्ता एक शॉर्ट रास्ता है, और जो कि ये रास्ता 24 घंटा लगातार चलती है, और इस रास्ते में वादी फरियादी मुख्यालय जाने वाले वो अलग, इसके साथ साथ कि इस रोड के किनारे लगभग 22 गांव बसे हुए हैं, और उस गांव की और रोज के निकलने वाले अगर आबादी की बात करें तो 1.5 लाख की आबादी इस रोड से गुजरती है। ये रोड लगभग 15 किलोमीटर है, जो कि जर्जर गड्ढायुक्त बजरीयुक्त बड़ा हुआ था। इस रोड से गुजरने में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस रोड को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था, तो आइए देखते हैं उस वीडियो की छोटी सी झलक। मैंने बहुत सी सरकारें अभी 30-35 साल की एज में देख ली, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा हमें ढूंढी मेरी सरकार लगी। इसमें मन की बात होती है, जन की कोई बात नहीं होती है। रोड है हमारा, यहाँ के जो भी सांसद विधायक हैं वो कभी भी इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि अदालत का जाने का सबसे मेन मार्ग अदालत कचहरी के लिए यही है। घाटमपुर थाना भी सबसे बड़ा थाना है, कोतवाली है, सारी जनता यहाँ से जाती है। कानपुर नगर का ये आखिरी टहल पड़ता है, आखिरी गांव भी पड़ता है, लेकिन रोड इतना गड्ढा युक्त है कि हमेशा जो है एक ना एक एक्सीडेंट, एक ना एक हादसा होता है। नहर का किनारा पड़ता है, जगह जगह इतने भयंकर गड्ढे हैं, केवल बैच लगा दिया जाता है। सरकार की सोच है कि रेशम की साड़ी में टैट का पैमान लगवा रहा हूँ, आज लगवाते हैं कल खुद जाता है। जो भी PWD के विभाग के कर्मचारी हैं, जो भी हमारे कर्मचारीगण और हैं नेताओं द्वारा बनाए गए, अगर 1 रुपया भेजा जाता है 5 पैसे भी जनता के पास नहीं जाता है। जनता पहले चिल्लाती थी और आज भी चिल्ला रही है, BJP गवर्नमेंट बड़े ढीघरे पीट रही है, हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बार इन सड़कों पर आ करके हमारे महामहिम योगी जी आए या उनका विधायक स्वयं इस रोड पर चले और वो धक्का ना खाए, तो हम समझ ले शायद है कि उसका पूरा सर भी फट जाएगा। ये जो कानपुर का जो हिस्सा है, रटघाई से लेकर के पुड़वा रौगांव तक, वहाँ तक पूरी तरह रोड खराब हुआ है, उखड़ चुका है, और ये दसियों साल से केवल इसमें टीप टाप कर दिया जाता है और इसके बाद पूरे गड्ढे हो जाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है यहाँ के जो सांसद और विधायक आदरणीय सरोज सुरील जी और भोले सिंह जी जो विधायक सांसद हैं, उनसे अनुरोध है कि इस रास्ते पर भी कभी आके देखें कि कितने गड्ढे हैं, कैसे लोगों का यहाँ से आना जाना होता है। बहुत बार लोगों ने बताया है कि ये जो गिरसी के पास नहर कटी हुई है, नहर का जो रोड का किनारा कटा हुआ है, इसमें ट्रक गिर गए हैं, ट्रैक्टर गिर गए हैं, मोटरसाइकिल वाले बहुत एक्सीडेंट होते हैं। समस्या थी यहाँ पर, यहाँ पर यह समस्या थी जो ये हमारा ये रोड जो बन गया है, और जो बन गया तो इस बार मजबूती हिसाब से बना, फिर आलिए बहुत आप लोगों का आभारी हैं, धन्यवाद है जो आप लोगों ने इतना ख्याल किया, और हमारी पब्लिक भी इधर खुश है कि नहीं चलो ठीक है, ऐसे किसी तरीके एप्लीकेशन लगा काम तो हो रहे हैं सरकारी, अनेते तो जन्मों जन्मांतर तक पड़े रहते हैं, कहीं ट्रैक्टर पर लटते हैं, कहीं मोटरसाइकिल लटती है, जब जगह नहीं पाई जाती है, ख़राब रास्ताएँ वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ही। अच्छा, इस रोड बनने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? अब क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, आने जाने वालों का फ़ायदा है। ये आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? तो यही कहते हैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो रोड बनवा दिया है, और अधिकारी लोगों को धन्यवाद है जो आप लोग सब लोग मिल के अप्लीकेशन लगा के हमारा सारा काम करा दिया, और बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं, हमारी पब्लिक भी खुश है, हमारे गाँव नगर वासी भी खुश हैं, कम से कम हमारे रोड का चमत्कारी तो हो गई, कम से कम सुनाई तो हुई कम से कम। क्या क्या नुकसान हो रहे थे सुनी? मेरे यहाँ जो रटगांव से लेकर के गिरसी तक का रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, बहुत समस्या थी, जनहानि होती थी, एक्सीडेंट होते थे, जल भराव होता था, आने जाने की समस्याएँ होती थी, नहर में पलट जाती थी गाड़ियाँ, काफ़ी अरसे से उखड़ा हुआ है। अभी आपके रोड बनने के बाद अभी क्या लग रहा है कि अभी कुछ फ़ायदा है? जी हाँ, एक्सीडेंट में रोकथाम हुई है। समस्या ये थी कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड रटघाई से लेकर नबीपुर तक 15 किलोमीटर है, और जो कि कानपुर देहात और कानपुर नगर को जोड़ती है शॉर्ट रास्ते से, और ये मेन रास्ता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जहाँ हम आज खड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर और रटघाई पुल तक ये रास्ता इतना ख़राब था कि आए दिन हादसे होते थे, लेकिन आपके द्वारा जो वीडियो बनाया गया और समस्या को उठाया गया, अधिकारियों तक बात गई, अधिकारियों के माध्यम से फिर आप यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय राकेश सचान जी के सहयोग से इस रोड का निर्माण कराया गया, और बहुत ही जल्द निर्माण कराया गया, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और इसका जो आप देख रहे हैं कि इधर पीछे भी पीछे के साइड जो रोड जाती है नबीपुर को, वो भी रोड बहुत ख़राब थी, लेकिन उसमें भी गड्ढे वड्ढे भरने का काम किया गया है और यहाँ से पूरी उखाड़ के पूरी नई रोड बनाई गई है। तो अभी रोड ये काफ़ी ठीक बनी हुई है, गड्ढे वड्ढे कहीं नहीं है, अच्छा बनाया है और बाकी बहुत अच्छा है। उनके लिए धन्यवाद और आपके चैनल के को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्या को उठाया और समस्या बहुत जल्द ही इसका समाधान हुआ है, एक साल के अंदर समाधान हुआ है। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर हम आबादी की बात करें तो कितने लोग इससे परेशान थे? अगर आबादी की बात करें तो चूँकि जो माती मुख्यालय है और घाटमपुर तहसील का जो मुकदमे संबंधी जो केस होते हैं वो सब माती मुख्यालय कानपुर देहात में लगता है, क्योंकि ये कभी कानपुर देहात ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको नगर घाटमपुर को नगर से जोड़ दिया गया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कानपुर देहात के न्यायालय से ही होती है। तो बहुत सारे लोगों का जो घाटमपुर एरिया के करीब 22-24 गांव हैं, इससे भी अधिक गांव हैं, लेकिन जो रोड के किनारे गांव पड़ते हैं वो करीब 22 गांव हैं और 1.5 से 2 लाख की आबादी है। ये परेशानी थी और इस रोड के बनने से अब ये रास्ता जहां हमें 2-3 घंटे लगते थे 15 किलोमीटर चलने में, आज 1 से 1.5 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। तो इस रोड के बनने से आपको क्या लग रहा है कि कुछ फ़ायदे हुए हैं? इस रोड के बनने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर वाहन, दो पहिया वाहन, चार पहिया, तीन पहिया सारे वाहन चलते हैं और ये रास्ता शार्ट में न्यायालय को और माती मुख्यालय को जोड़ता है, इसलिए ये रास्ते से बनने से बहुत ही लोगों को लाभ हुआ है। हमारे और हमारे समुदाय और अधिकारियों के सहयोग से इस सड़क का निर्माण 1 साल के अंदर करवाया जा सका और इसके साथ साथ इस रोड के किनारे लगभग 22 गांव जो बसे हैं और उन आबादी की बात करें तो 1.5 लाख की आबादी है जिनको सड़क के बनने से लाभ हुआ। दोस्तों, इस रोड के बनने की लागत 79.25 लाख आई है और ये रोड पूरा जो है 4 किलोमीटर बन करके तैयार हुआ है। सहयोग से ये जो हमारा नबीपुर से रडघाएँ तक का रोड है, बीच में गिरसी ग्राम पंचायत पड़ता है, ये बनकर कम्प्लीट हुआ। इसके लिए आप सबको आभार और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। मैं अंशिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता, राज्य उत्तर प्रदेश कानपुर नगर से इंडिया अनहट के लिए।